तेनम कालीनम तेनम समयनम। उस काल उस समय में चंपा नाम की एक नगरी थी, थोड़ा सा यहां संक्षेप में समझ लेते हैं, या काल और समय लगता है कि पर्यायवाची है। काल और समय, तेनम कालेनम तेनम समयनम, काल और समय, लेकिन अंतर है। काल अवसर्पणी काल है, ये काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है। और चतुर्थ आरे का समय है, चौथा आरा है। काल अवसर्पणी और समय चौथे आरे का। और समय के अंदर यह भी वर्णन आ जाता है कि जिस वक्त इस धरती के ऊपर अरिहंत अष्टनेमी भगवान सशरीर विचरण कर रहे थे, ये वो समय की बात है, उस समय की बात है। तो ये है बात उस समय की, तेनम कालेनम तेनम समयनम, ये हम रख सकते हैं। पर लेकिन यहां पर जो यहां शब्द दिया गया है, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी के साथ इस धरती पर विचरण कर रहे थे। क्योंकि ये आगमों की संपदा हमको किसके द्वारा मिली है? सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी की कृपा है। ये आगमों का प्रसाद मिला है हमको। ये आगमों का प्रसाद, इसके लिए मैं बार बार, जो मैं शुरुआत में मैं जय बोलता रहता हूं, सदा काल जय विजय हो, गौतम स्वामी के बाद सदा काल जय विजय मैं सुधर्मा स्वामी की करता हूं, क्योंकि इस युग के पहले आचार्य हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद वो आचार्य बने थे, इस पाठ के ऊपर बैठे थे, प्रथम आचार्य हैं वो सुधर्मा स्वामी के जो शिष्य हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 16 वर्ष के बाद जम्बू स्वामी की दीक्षा हुई। कितने साल के बाद? 16 वर्ष के बाद, भगवान के निर्वाण के 16 वर्ष के बाद जम्बू स्वामी, नहीं 16 वर्ष की उम्र में दीख, क्योंकि उनके तुरंत हो गई थी, 16 वर्ष की उम्र थी उस वक्त जम्बू स्वामी की जब उनकी दीक्षा हुई थी विच्छामि दुग्धम। क्योंकि भगवान महावीर के निर्वाण के 12 वर्ष के बाद सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है, और केवल ज्ञान होती उस भूमिका से हट जाते हैं, आचार्य की भूमिका से हट जाते हैं। फिर सुधर्मा स्वामी के बाद जो आचार्य बने थे, पाठ पर आए थे, तो वो जम्बू स्वामी आए थे, क्योंकि केवल ही बनते जाते हैं और वो भूमिका से हटते जाते हैं। तो ये बीच का समय है, और शायद उस वक्त जम्बू स्वामी की उम्र 26 या 28 साल के बीच में रही होगी, या 24 या 25 26 साल के बीच में रही होगी, जब ये आगम की वाचना हुई है। क्योंकि वो जिज्ञासा करते जा रहे हैं और वो जवाब देते जा रहे हैं, क्योंकि रहस्य जानने के लिए जिज्ञासा बहुत जरूरी है। बिना जिज्ञासा के हम कोई समाधान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों से भी ज्यादा इंतजार प्रवाधिराज प्रियोशनों का हमको रहता है। बताओ क्यों? बताओगे नहीं? क्योंकि यही समय है, ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड है, सीजन, फुल सीजन। जो सभी अपनी समाज के लोगों के यहाँ पर दीदार होते हैं, चेहरे दिखाई देते हैं, तुम तो इंतजार देखते हो कि कब 8 दिन पूरे हों, और हम सोचते कि 8 दिन कभी पूरे ही ना हो। तो इस प्रकार उस नगरी के, चंपा नाम की नगरी थी, उस नगरी के ईशान कोण में पूर्णभद्र नाम का एक उद्यान था,
और पूर्णभद्र नाम का उद्यान इसलिए भी बोला जा रहा है कि वहां पूर्णभद्र नाम का कोई यक्ष था और उसका एक यक्षायतन था, उसका एक मंदिर था। उस वक्त उस नगरी पर कौनिक राजा राज्य कर रहे थे। उसकी रिद्धि सिद्धि, उसकी समृद्धि भरपूर थी। तो उसी समय सुधर्मा स्वामी अपने जम्बू स्वामी के साथ 500 शिष्यों के साथ उस पूर्णभद्र उद्यान चप्पा नगरी के बाहर पधारे। सुधर्मा स्वामी के आगमन की सूचना सुनकर चंपा नगरी में एक उल्लास का वातावरण बना, एक प्रसन्नता का वातावरण बना। यह समय का प्रभाव है भैया। उस वक्त संतों को देखना, उनके दर्शन करना जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानी जाती थी, सबसे बड़ी खुशी मानी जाती। तो बरसाती नदी की तरह लोग वहां उमड़ने लगे। धर्मोपदेश हुआ, धर्म कथा का वाचन हुआ, उसके बाद सब लोग चले गए। धर्म कथा के बाद आर्य जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी के चरणों में आते हैं, उनकी प्रियोपासना करके, उनको वंदन नमस्कार करके विनय पूर्वक या विनय आसन में बैठते हैं। और विनय आसन हमारे यहां सबसे बढ़िया आसन है। जब आप नमोथुनम का पाठ पढ़ते हो ना, वो हमारे यहां विनय आसन बतलाया जाता है। एक स्थिति है, एक सिचुएशन है वो, कि जब हम दाहिना पांव नीचे दबाते हैं, उल्टा पांव उठा लेते हैं और उस घुटने के ऊपर हम हाथ रख लेते हैं और ये दोनों यूं जुड़े हुए रहते हैं, ये हमारी विनय मुद्रा है, विनय मुद्रा। और ये ग्रहण मुद्रा भी है, इस मुद्रा से ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ये प्राचीन पद्धतियां रही हैं और इन पद्धतियों को शायद आजकल लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि आज फास्ट समय आ गया है। पहले समय था सभी के पास, आज समय नहीं है। पहले वंदना करते भी ढंग से थे, अब तो फटाफट ये यूं, कई तो घुटनों तक को यूं ही छूते हैं। पहले मथेन बंदा भी बोलते थे और आजकल तो सब जानते होंगे आप क्या क्या बोल जाते हो। गुरुजी थे हूं नहीं थे, चलो कोई बात नहीं। तो वंदन नमस्कार किया और बैठने लग गए। बैठ करके कहने लगे, भगवान आपने उपासक दशांग सूत्र का ये सातवां अंग है, उपासक दशांग, जहां श्रावकों का, देखिए सिलसिलेवार आगम में भी एक व्यवस्था दी गई है, सातवां अंग उपासक दशांग यानी श्रावकों का है वर्णन, जिसमें 10 श्रावकों का वर्णन आता है उसको उपासक दशांग कहते हैं। और आठवां अंग अंतगण दशांग, इसमें 90 आत्माओं का वर्णन आता है जो संत बने हैं, संत जीवन को अपनाया है, तो उन 90 आत्माओं का वर्णन आया। तो कहा कि आपके मुखारविंद से मैंने सातवें अंग उपासक दशांग का वर्णन सुन लिया है, श्रावकों का वर्णन मैंने सुन लिया है, अब आठवें अंग अंतगण दशांग सूत्र में क्या भाव फरमाए हैं उसे फरमाने की कृपा करें। अपने शिष्य की इस जिज्ञासा को देखते हुए, क्योंकि जितनी गहरी जिज्ञासा है उतना ही गहरा समाधान है, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि जम्बू स्वामी की जिज्ञासा ने सुधर्मा स्वामी को बोलने को मजबूर किया है, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, कि इसकी जिज्ञासा यानी प्यास, ऐसी प्यास कि आपने नहीं बताया तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। जब इतनी जिज्ञासा होती है तब गुरु बोलता नहीं है, अंदर से आवाज आने लगती है। तो भगवान ने फरमाना शुरू किया सुधर्मा स्वामी ने, तो पहले हम जम्बू स्वामी को नमन करते हैं कि उनकी जिज्ञासा ने हमको ये आगम निधि दी है, आगमों की संपदा हमको प्राप्त दी है,
तो जम्बू स्वामी को हम हृदय से नमन करते हैं, क्योंकि जम्बू स्वामी ही इस युग के अंतिम केवली हैं, इस युग के अंतिम केवली हैं। तब सद्धर्मा स्वामी ने अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहने लगे कि मोक्ष प्राप्त मुक्ति में गए भगवान महावीर ने आठवें अंग अंतगण सूत्र में प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं, क्योंकि 8 वर्ग हैं अंतगण सूत्र में, 8 वर्ग हैं। 8 वर्ग की जब बात कही तो प्रथम वर्ग में क्या फरमाया, तब वो कहते हैं प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसन्नजीत और विष्णु कुमार। तब कहा कि भगवान प्रथम अध्ययन का क्या भाव है, तब कहते हैं कि सुनो जम्बू, जब इस भूमंडल पर यानी इस पृथ्वी पर 22वें तीर्थंकर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान विचरण कर रहे थे, उस समय द्वारिका नाम की एक नगरी थी। वह नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, उसका पैमाना बताया है 96 किलोमीटर लंबी और 72 किलोमीटर चौड़ी। ये द्वारिका नगरी की लंबाई और चौड़ाई है। और इस नगरी का निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया था, इस नगरी का निर्माण स्वयं कुबेर ने किया था। और कुबेर जहां धन का देवता है, वहां इस जगत का सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट भी है वो। आप ये सोचिए क्या गजब की पावर होगी उनके पास, इस नगरी को किस तरह बसाना है, किस तरह सजाना है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, राजा का महल कहाँ बनाना है, क्या व्यवस्था। तो वैश्य श्रवण कुमार ने यानी कुबेर देव ने उसकी रचना की है। और उसका जो परकोटा है, चार दीवारी है, वो सोने की है, सोने की है। और उस परकोटे के ऊपर यानी उस चार दीवारी के ऊपर जो आजकल जहाँ लोग आजकल तो कोई लगा लेते हैं, वहाँ पे पहले कांच कूच लगाया करते थे, वो इसलिए लगाते थे कोई आदमी लांगे ना, पर लेकिन उस कंगूरों के ऊपर 5 प्रकार के रत्नों के रत्न लगा रखे हैं। और वो इतनी भव्य थी क्योंकि सामने समुद्र भी था, सामने समुद्र भी था, ये सौराष्ट्र में बोला जाता है कि समुद्र भी था। तो जब समुद्र में पूरी द्वारिका झलकती थी, झिलमिल करती थी, तो अनंत गुना सौंदर्य बन जाता था। और द्वारिका इसलिए भी बोलते हैं कि हर मोहल्ले का अपना एक द्वार हुआ करता था, एक दरवाजा होता था, एक गेट हुआ करता था। तो द्वारों की नगरी थी, इसलिए उसका नाम द्वारका भी पड़ा। द्वारों की नगरी हो, दरवाजों की नगरी हो, हर मोहल्ले का अपना अपना द्वार है, हर हर दरवाजा है, तो इसलिए वो द्वारिका नगरी थी। और उस नगरी के जो निवासी थे हमेशा प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे, क्रीड़ा प्रिय, आनंद में रहने वाले, अधिक क्या कहा जाए। कहते कि उस नगरी की खूबसूरती को देखने के लिए देवता आया करते थे, है ना। जैसे आप लोग स्विट्जरलैंड जाते हो, कभी जर्मन जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, तो ऐसी बात है, वो भी ऊपर वाले भी तो देखना चाहते हैं ना, कहे भाई बढ़िया पिकनिक स्पॉट कहाँ देखने जाते हैं। तो और मैं बताऊं कि इस नगरी की जब ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग, तो स्वयं सकेंद्र आया था इसकी ओपनिंग के ऊपर, देव इंद्र खुद आए थे इसकी ओपनिंग करने के लिए। यानी महाराजा मतलब वासुदेव श्री कृष्ण को प्रवेश करवाया, नगर प्रवेश करवाया कि, और कहा कि आप पधारो, क्योंकि जिसका निर्माण स्वयं कुबेर ने किया हो तो इंद्र क्यों नहीं आएगा। तो इंद्र भी आए थे, तो भव्यति भव्य तरीके से उसकी ओपनिंग हुई थी और उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी।
उसी द्वारिका नगरी के बाहर ईशान कोण में, ईशान कोण कहलाता वही पूरब और उत्तर के बीच का जो भाग है वो ईशान कोण कहलाता है, वहां रेवत्तक पर्वत था। उस पर्वत का विशेष वर्णन औपातिक सूत्र में भी आता है। वहां एक नंदनवन उद्यान भी है और उस उद्यान में सुरप्रिय नाम का एक यक्ष का यक्षायतन था। सुरप्रिय यानी जिसे देवता भी प्रेम करें, और बहुत प्राचीन था और अशोक वृक्ष से वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। आजकल तो अशोक वृक्ष यूं सीधे जाते हैं, अशोक वृक्ष गोल भी होता है, मैंने कई जगह गोल वृक्ष भी देखे अशोक वृक्ष, और अशोक वृक्ष के नीचे ही स्वाध्याय किया जाता है, ऐसा वहां पर अशोक वृक्ष बोला ही जाता है, क्योंकि आठ माह प्रत्याहार में कहीं ना कहीं वो भी एक वर्णन आता है देवता जिसका स्वयं निर्माण करता है। तो उस वक्त उस द्वारिका में श्री कृष्ण वासुदेव राज्य किया करते थे, और अपने समय के महान प्रतापी थे, वासुदेव हैं, तीन खंड के मालिक हैं, महापुण्यवान हैं। वहां पर समुद्र विजय नाम की प्रधानता वाले 10 दशहार कहते पूजनीय, जिनकी पूजा स्वयं कृष्ण स्वयं किया करते थे। तो आपको बतला देता हूं, समुद्र विजय जो कि भगवान अरिष्णेमी के पिताजी हैं, वो सबसे बड़े भाई थे दशहार में, और सबसे छोटे वसुदेव थे यानी श्री कृष्ण जी के पिताजी। ये 10 जने वो थे जिनकी पूजा स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण किया करते थे। पूजनीय थे वो, आदरणीय थे, और पूरी द्वारिका नगरी उनको पूजती थी, अपना मालिक मानती थी, क्योंकि जब द्वारिका का मालिक जिनको अपना मालिक मानता हो तो स्वाभाविक है उसकी पूजा थी। वो पूजनीय जन थे, जहां से भी वो गुजरते थे लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे, ये उनका सम्मान था। और ये पहले का विषय भी था, पहले कभी बुजुर्ग आते थे तो जवान उनको हाथ जोड़ते थे, नमन करते थे। शायद आजकल ये व्यवस्था बदलती जा रही है, अब कोई किसी की कोई परवाह, ओ ठीक है जी आने दो, लेकिन बड़ों का जब तक हम मान नहीं करेंगे, सच कहता हूं हम भी कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। बड़ों को जो आगे रखता है वही बड़ा बनता है, बड़ों को जो पीछे रखता है वो छोटा ही हो जाता है। तो एक पूरा वर्णन है वहां पर, 10 पूजनीय जन थे और बलदेव की प्रधानता वाले 5 महावीर पुरुष थे, प्रद्युम्न की प्रधानता वाले 3.5 करोड़ कुमार थे, पूरा राज फैमिली है भैया, रॉयल फैमिली, और उसके अंदर 3.5 करोड़ कुमार थे, और शांब कुमार शांब प्रमुख जैसे 60,000 दुर्दांत योद्धा थे, महासेन प्रमुख 56,000 सैनिक थे, वीर सेन प्रमुख 21,000 वीर थे, और उग्र सेन प्रमुख 16,000 मांडलिक राजा थे। 16,000 मांडलिक राजा वासुदेव के नीचे काम किया करते थे, 16,000 मांडलिक राजा थे, और रुक्मणी जैसी 16,000 महाराजा श्री कृष्ण की रानियां थी, अनंग सेना जैसी महान नृत्यांगनाएं थी, महान नृत्यांगनाएं जिनके नृत्यों के ऊपर लोग झूमा करते थे, क्योंकि पूरा वातावरण इस तरह का बना हुआ है कि जहां लगे कि स्वर्ग यहीं पर ही आ गया है, यानी द्वारका में रहने वालों को किसी स्वर्ग में जाने की कल्पना ही नहीं होती थी, यानी द्वारका में रहना अपने आप में स्वर्ग में रहना था। आप ये, क्योंकि पुण्यवान राजा है बल वासुदेव स्वयं कृष्ण है, तो उनकी पुण्यवानी बड़ा जबरदस्त माहौल, क्योंकि इस देश की लिए पुण्यवान होना बहुत जरूरी है। कभी कभी राजा का दुर्भाग्य देश की बर्बादी का कारण बन जाता है। तो कहते कि अंधक वृष्णी नाम के एक राजा थे, और उनकी रानी का नाम धारणी था,
धारणी ने एक रात्रि में एक प्यारा सा स्वप्न देखा और स्वप्न अपने पति को बताया। महाराज ने स्वप्न फल का कथन किया और धारणी को एक पुण्यवान पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का लालन पालन, शिक्षण, विवाह, ये सब वर्णन, क्योंकि राजघराने का जैसा वर्णन वो उसी प्रकार हुआ। बस फर्क इतना ही है, उन्होंने उस पुत्र का नाम गौतम रखा, क्योंकि इसके अध्ययन शुरुआत गौतम कुमार से है। गौतम जब युवा हुए, जवान हुए, तो 8 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ और पर्याप्त रूप में उनको दहेज की प्राप्ति हुई। तो गौतम कुमार जब अपने गृहस्थ जीवन में जी रहे थे तो भगवान अर्शनेमी का वहां आगमन हुआ। तो जब पूरे द्वारिका में भगवान अर्शनेमी के आगमन की चर्चा हुई तो ये शब्द गौतम कुमार के कानों में भी पड़े, तो उनको भी उत्सुकता हुई। आज हमारी सभा में कई गौतम कुमार आए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनके सौभाग्य की मैं अपना सौभाग्य मान, क्योंकि जब मेरे नौजवान आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन को एक तसल्ली मिलती है। और मैं अपने इन गौतम कुमारों को ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बिना हम सब अधूरे हैं, अतः इस आंगन की परवाह जरूर किया करो, अपने संतों का ध्यान जरूर रखा करो, क्योंकि ये तुम्हारा ही ध्यान रखना तुम्हारे परिवार में आने वाली पीढ़ी को संस्कार देगा। इसलिए मेरा आग्रह रहता हमेशा कि प्लीज कृपया अपने कर्तव्यों को और इस आंगन को मत भूलना कभी। ये आंगन केवल आपके लिए 8 दिन के लिए ही नहीं खुला हुआ है, ये आंगन आपके लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है। केवल 8 दिन आओगे तो बच्चे 8 दिन से इतने प्रभावित नहीं होंगे आने वाली पीढ़ी, इसलिए जरूर कहता हूं कि आप इसके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। तो भगवान के पहली बार दर्शन किए गौतम ने, गौतम कुमार ने, और उनका दीदार करते ही निहाल हो गए, प्रवचन सुनते ही आत्मा से मिलन करने के भाव जागे, और आत्मा से मिलन के भाव जागते ही संसार छूटने के भाव पैदा हुए, क्योंकि या तो हम संसार देख सकते हैं या आत्मा देख सकते हैं। तो संसार और शरीर आत्म दर्शन में बाधा बनने लग जाता है कभी कभी, तो राजपाट को छोड़ने के भाव आए और माता पिता से कहा कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनकी दीक्षा होती है। दीक्षा लेने के बाद स्वल्प समय में, क्योंकि पहले बुद्धि बड़ी तीव्र होती थी, 11 अंगों तक का उन्होंने अध्ययन किया, और उसी के दौरान व्रत बेला तेला अर्धमास मास खमन तक की वो तपस्या करने लगे, तपाराधना से अपनी आत्मा को भावित करने लगे। भगवान के साथ वो विचरण करने लगे। तो कहते कि किसी समय गौतम अनगार के मन में एक भाव जगे, भाव जगे तो भगवान अर्शनेमी के पास आए, 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करी यानी वंदना करी, वंदन नमस्कार करके प्रार्थना की कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोई भी काम बड़ों की इजाजत से करोगे तो वो काम में व्यवधान नहीं आएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। अगर काम अपनी मर्जी से करोगे तो कभी भी व्यवधान आ जाता है, इसलिए कहता कोई भी काम करो बिना बड़ों के आशीर्वाद के नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ अगर आगम भी पढ़ना हो तो गुरु की आज्ञा लेनी पड़ती है, उनकी इजाजत मिलती है तो ही हम उसे प्रारंभ करते हैं। कोई काम बिना गुरु की आज्ञा के नहीं होता। अगर हम आहार लेने भी जाते हैं तो इन्हीं की आज्ञा से जाते हैं, आने के आहार लेकर के आते हैं उसकी सूचना भी हम देते हैं।
कहा कि मैं मासी की भिक्षु प्रतिमा की एक साधना करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि जैसे तुम्हारे आत्मा को सुख हो वैसा कीजिए। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर गौतम अनगार ने भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना करनी शुरू कर दी। ये 12 प्रतिमाएं होती है दिगंबरों के, दिगंबर परंपरा में आज भी ये जीवित है परंपरा। वहां प्रतिमाधारी श्रावक भी होते, प्रतिमाधारी संत भी होते, प्रतिमाधारी साध्विया यानी आर्जिका होती है। वहां प्रतिमा के आधार पर ही चलता है वहां सब कुछ। वहां बोल देते ही ये श्रावक हमारा 3 प्रतिमाधारी है, 4 प्रतिमाधारी है, तो ये प्रतिमाएं यही है। और इसका दशाश्रुत स्कंद के अंदर पूरा एक डिटेल में वर्णन आता है, जिसको कोई जिज्ञासा हो तो दशाश्रुत स्कंद सूत्र के अंदर ये भिक्षु प्रतिमाएं हैं, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उत्कृष्ट तप के सेवन से गौतम अनगार का शरीर अत्यंत कृश हो गया और उनकी आत्मा में विशेष चमक पैदा हो गई। अंत में गौतम अनगार स्कंधक मुनि की भांति भगवान से आज्ञा प्राप्त कर स्थिर मुनि राजों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर पधारे। जब दगा कि अब समय आ गया तो शत्रुंजय पर्वत पर पधारे। और शत्रुंजय पर्वत हमारी मंदिर मार्गी परंपरा में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। शत्रुंजय उसके लिए एक धारणा है, एक मान्यता है कि शत्रुंजय पर्वत के ऊपर सबसे पहले भगवान ऋषभ देव के जो गंधर्व थे पुष्कर, वो मुक्ति के अंदर गए थे। तो उस पुंडरिक गंधर्व थे उनके, तो उस पर्वत का नाम पुंडरिक भी है, लेकिन शत्रुंजय इसलिए कहा जाता है कि जहां हम क्रोध मान माया लोभ 18 पाप कसायों को जीत लेते हैं और जीत करके मुक्ति में जाते हैं, इसलिए उस पर्वत का नाम क्या पड़ा, शत्रुंजय। यानी आत्मिक शत्रुओं को जहां जीता जाता है, आत्मिक शत्रुओं को जहां पराजित किया जाता है, और जिन शत्रुओं के आधार पर हम इन गतियों में 84 लाख जीवा योनियों में भटकते रहते हैं, जहां उन शत्रुओं की पराजय करवा दी जाती है, जहां से हम मुक्ति में जाते हैं, उसका नाम है शत्रुंजय पर्वत। हमारी दिगंबर परंपरा में शिखर जी का जितना महत्व है, मंदिर मार्गी परंपरा में उतना ही महत्व शत्रुंजय का है। वैसे शिखर जी का भी निर्विवाद रूप से महत्व है, क्योंकि वहां 20 तीर्थंकर कहां गए हैं, 24 में से 20 तीर्थंकर मुक्ति निर्वाण कल्याण के वहां घटित हुआ है। वहां के कण कण में देखा जाए तो कैवल्य की प्रभा समाहित है, अगर हम महसूस करें तो। वहां से वो अंतिम समय में संलेखना करके, संलेखने का मतलब होता है कर्म कसाय और शरीर, इन तीनों को जहां क्षय किया जाए, कमजोर किया जाए, जहां कर्मों को कमजोर किया जाए, कसायों को कमजोर किया जाए, कमजोर करने के बाद, क्योंकि संलेखना गौतम कुमार की तो सफल हो गई, हमारी संलेखना सफल नहीं हो पाती, क्योंकि संलेखना का अंत तो मुक्ति होना चाहिए, लेकिन अगर हम संलेखना के आधार पर कहीं कर्मों को कमजोर कर जाए, कसायों को कमजोर कर जाए, तो हमारा मतलब सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। ये संलेखना इसलिए करवाई जाती है। और वर्तमान के अंदर हमारे प्रकाश चंद जी महाराज, सेठ जी महाराज जिनको बोलते हैं, वो संलेखनाधारी उत्तम आत्मा है आज के समय में, जो गोहाना के अंदर विराजमान है। हम उनको यहीं से उन्हें नमन करते हैं। तो वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रथम वर्ग के अध्ययन में ये बतलाया गया, बाकी के द्वितीय से 10वें अध्ययनों में जिन कुमारों का वर्णन आता वो इस प्रकार है, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्मित कुमार, अचल कुमार, कांपिल्य कुमार, अक्षोप कुमार, प्रसन्नजीत और विष्णु कुमार। इन सभी 9 कुमारों के पिता का नाम भी अंधक वृषणी है और माता का नाम धारणी देवी है। और ये गौतम कुमार यानी गौतम अनगार के सगे भाई हैं, यानी एक ही माता पिता का ये परिवार है। ये 10ों के 10ों सहोदर भाई हैं और इन्होंने
भगवान अर्षनेवी के चरणों में दीक्षा ली। सभी की दीक्षा काल साधना काल एक ही जैसा है, क्योंकि जहां वर्णन में भिन्नता ना हो, एक ही जैसा वर्णन हो, तो कलेवर बढ़ाने की बजाय उसको इतना ही कह दिया गया, जैसी साधना गौतम कुमार ने की वैसी साधना इन्होंने भी की और अपनी आत्मा का कल्याण किया। द्वितीय वर्ग, पहला वर्ग पूरा हो गया, द्वितीय वर्ग। इस सूत्र के अंदर आठ वर्ग हैं और जो आठ दिन में ही सुनाए गए हैं, ये उसमें लास्ट में भी बताया गया, आठ वर्ग आठ ही दिन में पूरे किए गए हैं। इसलिए ये प्रमाण बन जाता है कि हमको इन आठ दिनों में इसी सूत्र को ज्यादा सुनाना चाहिए। इसलिए स्थानकवासी परंपरा में सबसे ज्यादा कोई शास्त्र सुनाया जाता है तो क्या सुनाया जाता है, अंतगढ़ सूत्र सुनाया जाता है, क्योंकि आत्मा का शुद्धिकरण जिस प्रक्रिया से हो और जिन्होंने आत्मा को परमात्मा बनाया है, सिद्धालय में पहुंचाया है, उन आत्माओं का वर्णन ही इन्हीं दिनों में महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सभी नौजवानों को कहता हूं कि हो सकता है आपको कहीं बोरियत आ जाए, लेकिन इतना जरूर सोचना, मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार संवत्सरी के बाद लोग एकदम बंद क्यों हो जाते हैं, तो मुझे ये लगता है यहां कि आदमी सुनते सुनते शायद इतना बोर हो जाता होगा फिर कभी इधर आने का, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। भाई ऐसा मत करना है ना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो इस प्रकार भगवान सुधर्मा स्वामी के पास पहुंचे हैं जम्बू स्वामी, कहा कि भगवान एक बार और बताइए कि द्वितीय वर्ग में कितने अध्ययन फरमाए। तब कहा कि द्वितीय वर्ग के अंदर आठ अध्ययन फरमाए हैं, अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद्र। और ये वर्णन भी द्वारिका नगरी है, अंधक वृष्णि नाम के राजा हैं, इनकी रानी का नाम भी धारणी है, उनके आठ पुत्र हैं, यानी ये अठारह भाई बहन इकट्ठे हो गए, भाई बहन नहीं, अठारह भाई इकट्ठे हो गए। ये भी वही अंधक वृष्णि और धारणी रानी के राजा हैं, बच्चे हैं, अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद्र। और इनका वर्णन भी ठीक गौतम कुमार के समान समझ लेना चाहिए। ये तृतीय द्वितीय वर्ग पूरा हुआ, तृतीय वर्ग का वर्णन शुरू करते हैं। इसी में कई वर्णन महत्वपूर्ण आने वाले हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये तृतीय वर्ग बहुत बड़ा चलता है। तो अपने शिष्य की उत्सुकता का समाधान करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि मुक्ति को प्राप्त भगवान महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग में 13 अध्ययनों का प्रतिपादन किया है, 13 अध्ययन फरमाए हैं। और वो 13 अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं, अनीक सेन, अनंत सेन, अजीत सेन, अनहित रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, सारण, गज सुकुमाल, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि। भगवान पहले अध्ययन का भाव फरमाए, तब कहते हैं कि जम्बू, भगवान अष्टनेमी की मौजूदगी में एक भद्दिलपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर के बाहर ईशान कोण में श्री वन नाम का एक उद्यान था और उस वक्त उस भद्दिलपुर नगरी पर जित शत्रु नाम के राजा राज्य किया करते थे। उसी भद्दिलपुर नगर के अंदर एक समृद्धिशाली, किसी से भी पराजय नहीं मानने वाला एक गाथापति रहता था। गाथापति जैसे लक्ष्मीपति बोलते ना कुबेर का, तो धनवान था वो, जिसका नाम था नाग गाथापति। नाग गाथापति की भार्या यानी पत्नी का नाम था सुलसा। सुलसा नारी के समस्त गुणों से सुशोभित थी। उस नाग गाथापति का पुत्र और सुलसा भार्या का आत्मज अनिक सेन नाम का एक कुमार था। उस कुमार के
हाथ पांव और अंग बड़े ही सुकोमल थे। उस कुमार की लालना पालना के लिए पांच पांच धाय माताएं थी। धाय माता उनको कहते बच्चों की परवरिश में जिनकी सेवा ली जाती है, और वो अपने कार्य में परफेक्शन रखती थी, निपुणता रखती थी, विशेषता रखती थी। और उनके पांचों के नाम यहां बताएं कि क्षीर धात्री, दूध पिलाने वाली धाय माता, मंजन दात्री, धात्री यानी स्नान कराने वाली धाय माता, मंडन धात्री यानी बच्चों को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करने वाली धाय माता, अंक धात्री गोद में रखने वाली धाय माता। और ये बच्चा इस तरह से चलता था कि पहले दूध पिलाना बच्चे को, फिर उनका स्नान कराना, फिर वस्त्रों से सजाना, और फिर सजा करके किसी को गोद में रखने के लिए दे देना। क्रीड़ा धात्री और एक खिलाने वाली, खेल खिलाने वाली माता, कि बच्चे को चेक कर लेना। बाल मनोविज्ञान की वो गाता रहती थी कि बच्चे को इस समय क्या खेलना अच्छा लगता है, और उम्र के मुताबिक उनके अंगों का विकास किस तरह से होए। तो खेल खेल में बच्चों का विकास, संपूर्ण विकास हो जाए, ये ज्ञान उनको पूरा रहता था। इस प्रकार पांच धाय माताओं के द्वारा अनिक सेन की परवरिश होती है। जब वो 8 वर्ष का हो गया तो कलाचार्य के पास पहुंचाया गया। और ये मैंने एक दिन बताया भी था कि चौथे आर्य के अंदर बच्चे को पढ़ाने की उम्र 8 वर्ष की हुआ करती थी, और पांचवें आर्य में 5 वर्ष होने लगी और खत्म हो, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ, 2500 साल हो गए। मतलब कहा तो ये गया था कि भाई कम से कम 5 साल तो लगाओ बच्चे को स्कूल में डालने के लिए, लेकिन अब आदमी बड़ा बेचैन रहता है, हर काम जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। अब 2-2.5 साल में बच्चा स्कूल में भेजने लग जाते हैं। चलो तो 8 वर्ष की उम्र में शिक्षण शाला में डलवाया गया। वहां से शिक्षा पूरी होने के बाद, जवान होने के बाद, कुल के समान श्रेष्ठ 32 धनी श्रेष्ठियों की राजकुमारियों के साथ उसका विवाह हुआ। समान आयु वाली हैं, समान रूप वाली हैं, समान गुण वाली हैं, सामान्य रावण्य वाले, वहां समानता रखी है। और अपनी रानियों के साथ अपना समय बिताने लगा। उसी अवधि में भगवान अर्शनेमी का आगमन होता है, धर्म कथा सुनने का मौका मिलता है, वैराग्य धारण करते हैं, और जैसे गौतम कुमार के मन में दीक्षा के भाव आए, वही उनके भाव उनके पास आते हैं और दीक्षा धारण करते हैं। और समायिक से लेकर के 14 पूर्वों तक का उन्होंने ज्ञान अध्ययन किया, और 20 वर्षों तक उन्होंने चरित्र की पालना की, और अंतिम समय में शत्रुंजय पर्वत में मासिकी संलेखना के साथ अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके सिद्ध और बुद्ध हो गए। इसी प्रकार द्वितीय से लेकर के 6 अध्ययनों तक ये वर्णन समझ लेना चाहिए। अनिक सेन का जीवन जिस प्रकार का है, उसी तरह से उनका वर्णन समझ लेना चाहिए। और उसके बाद ये 6 भाई आपस में हुए हैं, और 7वें अध्ययन के अंदर राजा वसुदेव धारणी देवी सिंह का स्वप्न देखा है, और सारंग कुमार को जन्म दिया है धारणी माता ने, और वो भी जवान होते हैं, शिक्षित होते हैं, विवाह होता है, और वो भी भगवान रश्मिनी का प्रवचन सुनते हैं, दीक्षा धारण करते हैं, और विविध प्रकार की तपस्याओं के द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हैं और मुक्ति के अंदर जाते हैं। कल वर्णन आएगा गज सुकमाल बनने की जो भूमिका तैयार होती है, उसका कैसे होता है, उसका वर्णन हम कल सुनेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं।